चैनल इंडिया क्राइम न्यूज देख रहे सारे दर्शकों का एंकर राजविंदर कौर वालों स्वागत है। संयुक्त किसान मोर्चे के सदे अनुसार अज किसान ने MLA बलविंदर सिंह लाडी की रिहायश से पक्का मोर्चा लाया है। किसान आगुआ ने कहा है कि केंद्र सरकार उत्ते पंजाब सरकार वालों दबाव पा के झोने की खरीद जल्दी करवाई जाए। MLA बलविंदर सिंह लाडी ने किसानों के नाल बैठ के पत्रकारों के सवालों के दिते जवाब, आओ जानते हैं सब कुछ उन्हां दी जुबानी। कुलदीप सिंह हैप्पी और लखविंदर लक्की की खास रिपोर्ट, तुसी देखते रहो चैनल इंडिया क्राइम न्यूज। धन्यवाद। हाँ जी, MLA साहब अज ताडे बूहे गए एक पक्का धरना लाया गया। अज भारतीय किसान संयुक्त मोर्चे वालों जो उन्होंने हाईकमांड वालों देश आया वो दे मुताबिक अज इन्होंने पंजाब के नहीं पूरे देश के MLA MP जिन्हों के बूहेगाड़ी दस दे बूहेगाड़ी भी साढ़े भरा किसान आए हैं। ये अज बहुत वड्डा रोस है और जिहड़ी केंद्र की सरकार आ मोदी साहब मेरा ख्याल अज 13 महीने लगभग हो चले ने जिहड़े कि 3 काले कानूनों करके अज साडा किसान सड़कां ते इसे तरह धरने ला के और साडे बजुर्ग साडियां मातावां साडे बच्चे और गर्मी च सर्दी च जिहड़े धुप्पे वरदी ठंड दे विच बैठे ने। सो मैनूं बड़ा दुख आ अज पंजाब सरकार जनता है पहला कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने इन्हां दी अगवाई की किसानों की जो शुरू में मोदी सरकार का फरमान सी कि जे काले कानून तुसी साडे मुताबिक नहीं चलते तो तुहाडी सरकार तोड़ देंगे। उस वेले असी सारे MLA सारे MP साडे कांग्रेस के और सारे मंत्री और CM साहब ने फैसला किया भी असी पंजाब के किसान के नाल साडी सरकार तोड़ देन, सानू कोई फर्क नहीं। खैर ये समा चलता रहा हूँ जद के आ जी कानूनी का कार्रवाई की है कि जी 1 अक्तूबर तो शुरू होनी सी खरीद झोने की। मैं समझता कि ये बहुत पहली बार त्याच हो रहा कि जो किसी खरीद को आप रोक ला देने और अज जी फसल साड़ी मंडियां किसानों की एक सोने वर्गी फसल पुत्तां तो वध प्यारी फसल जी मंडियां आई है वो ते रोक लाउणी मैं कहना इस तो शर्म वाली होर कोई गल नहीं क्योंकि अज साडा किसान जिहड़ा है वो अपनी फसल जिहड़ी साडियां कई किस्मां दे विच झोना आ कोई 60 दिनां च पकदा कोई 90 दिनां च पकदा जिस तरह बासमती होनी है। सो इहदे नाल जिहड़ी झोने की फसल हुण आ गई है इस तों बाद जिमीदार ने कितें सब्जी लाउणी है कितें मटर लाउणे ने कितें आलू बीजना सो वह अपनी अपने हिसाब नाल चल तो ये फसल को चुकण वास्ते सरकार ने सारे प्रबंध किए ने बट केंद्र की जिहड़ी सानू चिट्ठी ने गुमराह करने वाली जिहड़ी साडे किसानां नू और सरकार नू बदनाम करने जिहड़ी कोशिश कर रही है असी इस वास्ते बड़ा सख्त फैसला लै रहे हैं। और मैं हुणे साडे प्रधान जी और सारे साडे जिहड़े किसान आगू इत्थे आए हैं मैं उन्होंने सामने साडे अपने चीफ सैकटरी नाल जलाल जी नाल भी गल की है। कल मुख्यमंत्री साहब प्रधानमंत्री जी को मिले उन्होंने भी जाके बेनती की है कि प्रधानमंत्री जी ये फसल साड़ी जी है ये 1 अक्टूबर तो खरीद जी शुरू होनी चाहिए है। उन्होंने देखो किस लिहाजे उन्होंने विश्वास तो जरूर दवाया पर एक्शन कोई नहीं होया। सो शनि ऐतवार होने करके असी भी सारे अज इतने मैं भी इसे घर बैठा। सो मैं पूर्ण अपने किसान भरावों को यह विश्वास दिता कि 100 बार असी जाके अपने मुख्यमंत्री साहब नूं अपने चीफ सैकटरी साहब नूं अपने सारे अफसरां नूं जिहड़े केंद्र दे विच वजीर ने चाहे तोमर साहब ने चाहे उन्हां दे सैकटरी ने उन्हां नूं गल करके जिहड़ा किसान दी फसल आ उहनूं जल्दी तो जल्दी चुकण दा उपराला करिए तां कि जिहड़ी किसान दी फसल आ उह रुले ना। इह साडी ते पहले ते तुहाडी सरकार 1 अक्तूबर तों स्टार्ट ते ही चुक लैंदी सी हुण ऐसी किहड़े कारण आ गया वी जिहड़ा कि लेट कीता जा रिहा इहदे विच किसानां दा बहुत वड्डा नुकसान हो रहा। देखो भाई मैं तो पहले कहता कि केंद्र की जिहड़ी चिट्ठी आई है रात 11 बजे उन्होंने फूड सप्लाई मंत्री नूं चिट्ठी पहुँचती है वो कहिंदे मैं सवेरे गल करांगा सवेरे साढ़े जिहड़े अपने चन्नी साहब जिहड़े मुख्यमंत्री ने वो सवेरे जाके प्राइम मिनिस्टर नूं मिलदे आ। कल उन्होंने तुसीं देखिया तुहाडे मीडिया राहीं उन्होंने हाथ जोड़ के बेनती की है भी साडा किसान तो पहले ही मरिया पिया है तुसीं होर सानूं क्यों मार रहे हो क्यों तंग क्यों किसानों का इम्तिहान लै रहे हो। अज किसान जिहड़ा वा बिल्कुल ग्राउंड लैवल पर आ
और बहुत मोदी साहब राही मैं तुहाडे चैनल राही भी बेनती करदा कि मोदी साहब साडा इम्तिहान ना लो, ये इम्तिहान कितने पुट्ठा भी पै सकता क्योंकि अज देश के हालात जो बढ़ गए ने, बड़े खतरे दियां घंटियां वजनियां शुरू हो गई ने सड़कां ते, जिस हिसाब के नाल बजुर्ग बच्चे साडियां मातावां साडे भरा बैठे ने 600 के करीब शहीद होए ने, अज मोदी साहब नूं इन्हां 600 शहीद परिवारां दे नाल दुख सांझा करन दा टाइम नहीं, अज विदेशां च घूम रहा, अज वह बड़ी बड़ी बात कर रहा है, मन की बात कर रहा है, लेकिन मन की बात किसानों वास्ते नहीं उहदे कोल हो रही। सो मैं ये मोदी साहब नूं तुहाडे चैनल राही दसना चाहुंदा कि मोदी साहब इन्हां लोगों ने सानू राज सत्ता दित्ती है, इन्हां लोगों ने सानू प्राइम मिनिस्टर बनाया है और इन्हां लोगों नूं आपां बहुता चिर मूर्ख नहीं बना सकते, ते ना तुसीं पंजाब दा जिहड़ा अन्नदाता किसान है जिहदे नाल हमेशा तुसीं विकतरा कर रहे हो, धक्का कर रहे हो, कदी तुसीं फसलों से रोक लाते हो, कभी तुसी कानून गलत साढ़े ते थोप देते हो, असी ताडे बिल्कुल खिलाफ और असी ये मंग करते हैं कि जल्दी तो जल्दी साढ़े किसानों की फसल चुकी जाए और जोड़ा किसान जे मान लो फसल नहीं चुकी जाती इन्हों का जो नुकसान होएगा वो भरपाई कि सरकार पंजाब सरकार करेगी या सेंटर सरकार करेगी। देखो अभी किसानों के नाल खड़े हैं, किसानों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे, असी 100 बार जाके अपने मुख्यमंत्री साहब नाल गल करांगे, सारे अज पंजाब दे MLA मंत्री साहबान असी फैसला किया कि मुख्यमंत्री साहब को बैठ के कोई ना कोई इहदा हल जिहड़ा जरूर कढ़ा। ਦਵਿੰਦਰ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਰਣਾਣੀ ਆਇਆ MLA ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਣਾਣੀ देखो जी ये धरना किसानी मारू जी साढ़े नाल जड़ा बहुत तगड़ा धक्का होया पिछले 72-73 साल तो पहली बार इतिहास के पन्नों पर लिखा गया कि बूए बैठी जंज ते विनो कुड़ी दे कन्न ना तो पंजाब सरकार ने मंडिया कोई प्रबंध किया कि मंडिया चो पहला कणक ही नहीं चुकी गई हूँ जो फसल पक के मंडिया च आने चाली हो गई तो पहला एक ऐलान सी कि पहली तरीक तो झोने की फसल जी आई सरकारी खरीद राही मंडिया चो चुकी जाएगी हूँ जो ये सारे काम हो गए किसान फसल की कटाई करके तो झोना मंडिया च लिया शुरू किया तो हूँ एको ही फरमान जारी हो गया कि बारिश नेखते हुए झोने की खरीद जी 11 अक्तूबर तो बाद की जाएगी हूँ तुम मैनू दसो कि मंडिया च पहला ही जगह नहीं हूँ किसान जड़ा वा सिर्फ एक किसान दे कोलो मोर्चा खाली कराने दे वास्ते दिल्ली वाले मोर्चे नू टाल लाउण लई सारा ये प्रोग्राम किया गया मिलियां सरकारां दी साजिश आए कि किसान किहड़े तरीके नाल मंडी चों अपने मोर्चे चों उठालिया जाऊ क्योंकि किसान जड़ा वेखो उन्हें फसल लवाउण लई लवाई देती डीजल दे पैसे देते दवाइया देते खादां देते हुण उह कंबाइन दी वढ़ाई दे के किराया दे के मंडियां च झोना लै आया सरकार का फरमान जारी हो गया कि साढ़े कोल जे कोई प्रबंध नहीं तो असी झोना 11 तरीक तो बाद सरकारी खरीद चालू करांगे क्यों ये करांगे कि जिन्ना भी व्यापारी वर्ग आ वह लुट कसुट किसानां दी करके ते सारी फसल जिहड़ी कवड़ियां दे भाव खरीद लवे ते किसान मजबूर हो जावे कि मैं अपनी जमीन ठेके दे दे के डानियां बानियां नूं जिहड़ा वा काले कानून आ उहनां नूं चालू करवा देवां पर यह इहो जी कोई गल नहीं जिहड़ी साडी फसल आ उह परमात्मा दे भरोसे खड़ी आ जे परमात्मा नूं चाहिया ते इह फसल जिहड़ी आ उह साडी फसल पैली चों वी खड़ सकदा पड़ोलियां चों वी खड़ सकदा पर जे ना चाहिया ते सरकार ने पता नहीं की करना पर साडे जिहड़ी आ बाबे नानक दी कृपा वा साडे मोर्चियां दे ये मोर्चे उह चलाउणगे साडे संयुक्त मोर्चे दे आगूआं ने यह ऐलान किया सरदार बलबीर सिंह राजेवाल ने कि तुसीं जिन्ने भी पंजाब दे हरियाणे दे MLA आ तुसीं उहनां दे जाके बूहियां दे गाड़ी बैठ जाओ जिन्ना चिर तक तुहाडियां फसलां नहीं चुकियां जांदियां उन्ना चिर तक तुसीं अपने धरने वापस नहीं लैणे इस तों बाद जिहड़ा वा असीं जो फैसला सानूं संयुक्त मोर्चा देगा असीं उहदे उत्ते फुल चढ़ावांगे हुण साडे MLA साहब बैठे आ साडे कोल इह गल कह रहे कि सोमवार तक जिहड़ा वा असीं मसला हल करा लांगे मैं इहनां नूं दो सवाल कीते कि जे ते तुहाडियां मंडियां खाली आ ते असीं फसल मंडियां च लिया के रख दिंदे पर तुसीं चल के वेख लो मंडियां दा हाल मंडियां च वार लगे होए ने किसान अपनी जिहड़ी आ किसान ने फसल कटाई तां उह किराए वाला किन्ना चिर ट्राली खड़ी करेगा किसान कोल एडे एडे तगड़े शैड कित्थे कि उह अपनी फसल वढ़ा के इन्ने साधन कित्थे कि उह मंडी दे विचों ढक के फसल अपनी जां अपने शैडां च ला सके किसान तो पहला ही मरिया होया हुण इह सरकार दा इक्को इशू आ
ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਨਹੀਂ ਗੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਵੈਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 24 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਲੀਲ ਕਰ ਜੇ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ MLA ਆ ਭਾਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਆਹ ਸੂਰਜ ਨੇ ਹੁਣ ਧੁੱਪ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਬੱਦਲ ਸੀ ਨਾ ਬੱਦਲ ਰਹੇ ਨਾ ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਆ, ਮੋਰਚੇ ਦ੍ਰਿੜ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਗਾੜੀ, ਹੁਣ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਚੱਲਿਆ, ਆਹ ਕੇਲੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਘੜੀ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾ, ਚੱਲਦੇ ਜਾਣੇ, ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੇਲੇ ਭਖਦੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਦਿਓ ਫਸਲ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਖਰਬੂਜੇ ਹੋਰ ਰੰਗ ਫੜ ਜਾਣ, ਦੂਸਰੇ MLA ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਦਲੇਰੀ ਵਰਤ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਫਸਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾਊ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਾਜੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਕਾ ਲੱਗੇ? ਇਹ ਪੱਕਾ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਪੱਕਾ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਵੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਫਸਲ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਧਰਨੇ ਪੱਕੇ ਆ, ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਿਊਜ਼, ਜ਼ੁਲਮ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ, ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਿਊਜ਼।